बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। कल हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प में 30 पुलिसकर्मी और 15 छात्र घायल हो गए हैं। कई छात्रों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जेएनयू के छात्र फीस बढ़ोतरी के आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने कल संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद भवन की तरफ मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके साथ ही कई जगहों पर पुलिस के कथित लाठीचार्ज में कुछ छात्र घायल हो गए, जबकि छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष समेत करीब 100 जेएनयू छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र सफदरगंज मकबरे के बाहर सड़क पर बैठ गए और हिरासत में लिए गए छात्रों को छोड़े जाने और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की मांग करने लगे। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत शुरू करने की कोशिश की और उनसे कानून अपने हाथों में नहीं लेने की अपील की। छात्रों ने प्रदर्शन और इस दौरान पुलिस के कथित लाठीचार्ज में खुद को लगी चोटों की तस्वीरें ट्वीट कर साझा की हैं। यहाँ 40% बच्चे हैं जो बहुत गरीब तबके से आते हैं। यहाँ पर सब्सिडाइज होता है हॉस्टल भी, हर चीज, ताकि गरीब पढ़ सके। अगर यहाँ 6-7 हजार हॉस्टल भी आ जाएगा तो कोई गरीब। हमारा डिमांड ये है, जो हॉस्टल फीस थी वही रहे, जो कि 900% बढ़ाई गई है वो नहीं बढ़ाई जाए। सिंपल डिमांड ये है, हाँ, क्योंकि वो 900% बढ़ाने से यहाँ से 40% स्टूडेंट जो है पढ़ नहीं पाएंगे, उन्हें नेक्स्ट सेमेस्टर से कोर्स छोड़ना पड़ेगा। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।